हेलो दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। चुनाव में ईवीएम से वोटिंग के बाद हर वीवीपैट का मिलान करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस बीच एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जिसमें मांग की गई है कि अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा के हों तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शुक्रवार को याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी है, ऐसे में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। ये जनहित याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेड़ा ने दाखिल की है। शिव खेड़ा की ओर से पेश अर्जी पर बहस करते हुए वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि ये एक अहम मसला है जिस पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट के निर्विरोध जीतने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां वो मैदान में अकेले ही बचे थे। वकील ने कहा कि हमने देखा कि सूरत में कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा, सारे वोट एक ही उम्मीदवार को जाने ही थे। आपको बता दें कि याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल के निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई थी। दरअसल यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी पाई गई थी। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे थे। 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ही बचे थे, जिन्होंने सोमवार 22 अप्रैल को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह से मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। इसके अलावा अर्जी में ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को नोटा को भी चुनावी उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। अगर चुनाव में सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिल जाएं तो फिर चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए। अर्जी में कहा गया है कि लोकसभा, विधानसभा और निकायों समेत सभी चुनावों में नोटा को साल 2013 से लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक दो बार मांग की जा चुकी है कि नोटा को एक काल्पनिक कैंडिडेट घोषित किया जाए। अर्जी में कहा गया है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुद्दुचेरी समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नोटा को लेकर ये नियम लागू किया गया है कि इन चारों जगह पर ये नियम है कि अगर किसी चुनाव में नोटा के वोट सबसे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ दोबारा से चुनाव कराया जाए। यही नहीं, शिवखेड़ा ने अपनी याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग नोटा का अच्छे से प्रचार करे, उस कैंपेन में बताया जाए कि चुनाव में आपके पास नोटा का भी एक विकल्प होगा, अगर आप नोटा को सबसे ज़्यादा चुनेंगे तो दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने मांग की है कि नोटा से पिछड़ने वाले सभी उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने से 5 साल की रोक लगा दी जाए। वहीं सुनवाई के दौरान सूरत का जिक्र कर पीठ ने कहा कि अगर ये व्यवस्था होती है तो वहां निर्विरोध चुनाव जीतने की नौबत ही नहीं आती। अभी तक नोटा को मिले वोट का कोई महत्व ही नहीं होता। नन ऑफ अबव यानी कि नोटा एक वोटिंग ऑप्शन है जिसके तहत मतदाता किसी भी प्रत्याशी के पसंद ना आने पर एक विकल्प को चुन सकता है। भारत में नोटा का विकल्प साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया था। इसे भारत में शुरू कराने के पीछे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत में नोटा राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं है। मौजूदा कानून के मुताबिक नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता है। ऐसे हालात में अगर अगले उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि देश में जैसा सिस्टम चल रहा है उसके तहत जिस भी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा
वोट मिलते हैं उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन अब याचिका के मुताबिक अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो फिर से चुनाव कराने का प्रावधान होना चाहिए। इस पर आपके क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।